वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स फॉर यू यूट्यूब चैनल। मैं हूं रोहित और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग में होने वाली बम्पर भर्तियों की। आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे इस यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हिमाचल प्रदेश की सरकारी और प्राइवेट नौकरियों की जानकारी के लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.governmentjobsforyou.com पर रेगुलरली विजिट करें। बात करते हैं आज की न्यूज़ अपडेट की। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग में 1182 पदों को भरने की अधिसूचना जारी कर दी है और ये पद रहने वाले हैं शास्त्रीय अध्यापकों के। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न स्कूलों में लगभग 1200 से अधिक पद खाली चल रहे हैं शास्त्रीय अध्यापकों के और बहुत जल्द इन पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी। अगर बात करें यहाँ पर पद कैसे भरे जाएंगे तो इनमें से आधे पद भरे जाएंगे कमीशन के माध्यम से और आधे पदों को यहाँ पर बैच वाइज भरा जाएगा। तो बात करते हैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज की। डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में 62 पद भरे जाएंगे, चंबा में 146, हमीरपुर में 38, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में 170 पद रहेंगे, किन्नौर में 36, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में 76 और इसके अलावा यहाँ पर लाहौल एंड स्पीति में 32 वैकेंट पद रहेंगे। सबसे ज़्यादा पद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मंडी में भरे जाएंगे, यहाँ पर 220 पदों पर भर्तियाँ होने वाली है। डिस्ट्रिक्ट शिमला में 170 पद भरे जाएंगे, सिरमौर में 122, सोलन में 70 एंड ऊना डिस्ट्रिक्ट में 40 वैकेंसी रहने वाली है। तो इस सारे पद यहाँ पर रहेंगे, इनको बैच वाइज और कमीशन के आधार पर भरा जाएगा। तो आप इनके लिए तैयारियां करना शुरू कर सकते हैं, मे बी नेक्स्ट मंथ इनके लिए एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हो सकती है। जो पद यहां पर बैच वाइज भरे जाएंगे उनके लिए आप अपना चेक कर लीजिए कौन सा बैच पिछली बार लिया गया था। जो कमीशन की तैयारियां कर रहे हैं वो अपनी तैयारियों को और अधिक कर ले क्योंकि अगले महीने इनके लिए एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा और 2 या 3 महीने के अंदर इसके लिए एग्जाम भी हो जाएगा। तो अपनी तैयारियों को और बढ़ा लें और आप रेगुलरली सरकारी और प्राइवेट नौकरियों की जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.governmentjobsforyou.com पर रेगुलरली विजिट कर सकते हैं और ये यहाँ पर आप इनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में।